जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एक 30 डेज़ का सीरीज़ चल रहा है, उसी सीरीज़ को जारी रखते हुए हमने आज आपके लिए लेके आए हैं एक नया मैथ्स का वीडियो। इस वीडियो में हम आपको ओनली 6 शॉर्टकट्स बताएंगे। इन 6 शॉर्टकट से आप अपने बहुत सारे सवाल आगे सॉल्व कर सकते हैं मैथ्स में, अपने जीडी और क्लैरिकल पेपर में। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो दोस्तों, क्योंकि अपकमिंग पेपर्स जो जितने भी आने वाले हैं, उन सभी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। इस वीडियो के साथ हम आपको ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बताएंगे, ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स बताएंगे कि डेफ़िनेटली मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये शॉर्टकट्स आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं आपके आने वाले पेपर्स में। तो आप अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो दोस्तों हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सो दैट इज़ 70% लड़के हैं एक संगीत विद्यालय में और 255 लड़कियां हैं। अब 70% लड़के हो गए बॉयज़, अब 30% कौन हो गई गर्ल्स। ठीक है दोस्तों, सो 30% अगर गर्ल्स हैं तो सीधी सीधी बात है 255 गर्ल्स, 30 मल्टीप्लाई 100, एक जीरो से ज़ीरो कट, 3 1 3 3 8 85। सो यहाँ पे आया 85 मल्टीप्लाई 10, सो क्या आया आंसर 850। है ना दोस्तों कितना शॉर्टकट तरीका। देखिए दोस्तों हमने चुटकियों में एक ये सवाल को सॉल्व कर दिया, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला सवाल भी करेंगे विद शॉर्टकट की। आप इसको याद रख लीजिए, ऐसा ही ये शॉर्टकट रहेगा टोटल निकालने के लिए। तो राइट आंसर है 850। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें 30, 53, 99 को विभाजित करने पर एक समान शेषफल बचे। तो इसके लिए आपको कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कुछ भी सॉल्व नहीं करना आपने इसको, आपने सिर्फ ऑप्शन से नंबर्स उठाने, उनको डिवाइड करके देखना है। अगर बराबर आएंगे सबके भाग, शेषफल बचेगा तो आंसर है, नहीं है तो नहीं बचेगा। अब देखिए दोस्तों 21 को उठाया, 21 30 में से 21 गए, कितना आया, सिंपल सा है 9। अब देखिए 53, क्या 21 दून 42, अब 21 दून 42 होता है 42, और 53 में डिफरेंस पता करेंगे एक। अब डिफरेंस बराबर नहीं आ रहा, सो ये कट गया, ये नहीं आएगा दोस्तों। सो हम 21 से आगे वाला ट्राई करते हैं, 23 वाला। सो 23 वाला ट्राई करते हैं दोस्तों, 30 में से 23 गए, ये 7 आ गया। अब 23 को 2 से किया, ये आ गया 46। अब 53 में से 46 को माइनस किया, अब देखिए दोस्तों इसमें भी 7 आ गया। अगर हम 23 को हम करते हैं 4 से, 92 आ गया। हमारे पास क्या है ऊपर 99, इसमें से भी करें तो 777 आ रहा है ना दोस्तों, तो ये दिस इज़ द राइट आंसर। क्यों दोस्तों, कैसा लगा हमारा शॉर्टकट? इसी तरह से हम आगे वाले शॉर्टकट्स भी, सवाल भी शॉर्टकट्स के तरीके से ही करेंगे दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 4725 और महत्तम समापवर्तक 15 है तो उनका गुण लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। सो सिंपल सा सवाल है दोस्तों, सिंपल सा सवाल। तो इसके लिए क्या करना है आपने, 4725 है उसको डिवाइड करना है 15 के साथ। ठीक है दोस्तों, 15 के साथ डिवाइड दीजिए, 15 3 45, ये 2 आ गया, ये फिर यहाँ पे 2 आ गया, 15 1 15, ये 7 आ गया, और ये 7 आ गया, 5 नीचे आ गया। सो आंसर आया 3 7 5।
315 इज़ द राइट आंसर। सो जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा आपको ये शॉर्टकट? सो नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट शॉर्टकट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ए बी 12 दिन में काम करते हैं, सी ए 20 दिन में काम करते हैं, बी सी 15 दिन में काम कर पूरा करते हैं, यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये देखिए दोस्तों, अभी मैं आपको ये इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। ऐसे चुटकियों में सवाल निकल गया ये दोस्तों, चुटकियों में। अब कैसे करना है इसको, पहले ए बी वालों को कर लो, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई 20 नीचे 12 प्लस 20 कर लो। अब देखिए दोस्तों, 12 प्लस 20 32, नीचे 32 है ऊपर 12 प्लस 20 नीचे 32। अब देखिए 4 से करते हैं, 4 3 12 8, 4 5 n, 4 2 0। सो अब आ गया 15/2। अब ये हमारा आ गया 15/2, ठीक है दोस्तों। अब इसको, अब रह गया हमारे पास 15। अब इसको 15 से करना है, ठीक है दोस्तों, और नीचे भी 15/2 प्लस 15 से करना है हमने। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ अभी, कैसे करना, कैसे इसको। अब ये देखिए दोस्तों, नीचे ये जो दो दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला, दो दोनों कट जाने हैं, ठीक है। वो कैसे कटेंगे वो अब मैं आपको बताता हूँ अभी। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे करना है, इसको करना है, ये दो से दो कट गया और ये आया हमारा 15/15/30 प्लस 15 45, ठीक है दोस्तों। तो ये आया हमारे पास 5, बट ये 5 नहीं है, हमारे पास ये सारे दो 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 हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास सारे दो हैं, दो ए बी सी डी दो सारे ही हैं, ठीक है। तो ये 2 times हो गया ना, तो ये आंसर हमारा आएगा 10 दिन, ठीक है, 5 to 10 करके। सो है ना दोस्तों शॉर्टकट। आयताकार क्षेत्रफल का 560 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, इसकी एक भुजा है 20, तो सिंपल सा सवाल, 560 डिवाइड बाय 20 28, तो ये 28 आ गया हमारे पास। 28 और 20 को प्लस कीजिए, 48 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 96 इज द राइट आंसर। परिमाप निकालना था ना दोस्तों, तो परिमाप ऐसे निकलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक टायर की त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, वह 50 चक्कर कितनी दूरी में लगाएगा। सो पहला चक्कर उसका लगेगा, देखिए दोस्तों, पहला चक्कर लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 2 × 7 × 22/7, 7 से 7 गया, ये 44 मीटर का एक चक्कर हो गया, सेंटीमीटर का एक चक्कर। अब 50 चक्कर लगाए उसने, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सेंटीमीटर, तो क्या हो गया दोस्तों, 50 चक्कर कितनी दूरी में तय करेगा। सो कितनी दूरी में तय करा इसने, क्या बता सकते हैं दोस्तों, तो 22 मीटर की दूरी, 2200 मीटर है ना। सो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 22 को इसका आंसर आया 22 मीटर। सो द एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन रह गया हमारा, क्यों था हमारा ये भी शॉर्टकट, अच्छा लगेगा आपको तो प्लीज़ लाइक करिए हमारी वीडियो को। एक कार्यकाल में 20 श्रमिकों की औसत का 1900 प्रति माह है, औसत 20 श्रमिकों की 1900 रुपये प्रति माह है, यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो वो 2000 हो जाती है। सो हमने प्रबंधक की आय नोट करनी है, तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, कैसे करना है इसको। अब देखिए, 20 को मल्टीप्लाई किया, 2000 को मल्टीप्लाई किया 21 से, क्योंकि उसमें 20 के साथ एक प्रबंधक भी जुड़ गया ना हमारे साथ, 21 दून 42,
सो ये 42,000 हो गया हमारे पास। अब हमारे पास पहले श्रमिक कितने थे, 1900 वेजेस पे 20 श्रमिक थे, 19 जून 38, 38,000, 42 में से 38 गए, चार कितना, चार। तो श्रमिक प्रबंधक की आय कितनी हो गई, चार। क्यों ना दोस्तों, था ना बहुत ही शॉर्टकट वे। सो ऐसे ही शॉर्टकट्स पाने के लिए हमारा वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए, हमारा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को नीचे दिए लिंक से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए हम लाते रहेंगे इन फ्यूचर भी। तब तक के लिए धन्यवाद।